हेलो अंक्षा लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ एक और नया फैन फिक्शन शेयर करने वाली हूँ। काफ़ी टाइम पहले मैंने एक डांसर विभूषण फैन फिक्शन के बारे में आप लोगों को बताया था, आज उसी का फर्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। फर्स्ट पार्ट आपको जैसा भी लगे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। ओके, तो आज का पार्ट शुरू करते हैं। वांग जी को ज़बरदस्ती एक स्ट्रिप क्लब में लाया गया था। इस तरीके की सिचुएशंस उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। क्लब बहुत ज़्यादा लाउड था, हॉट और स्ट्रोबिंग लाइट्स की वजह से ऑलरेडी उसे हेडक हो रहा था। वो एक स्टूल पर बैठा हुआ था और उसका मन किसी से भी बात करने का नहीं था। गुसुलैंस एक्ट में कुछ नए डिसिपल्स आए हुए थे जिनमें से एक सुशे भी था। गुसुलैंस एक्ट की क्लासेस शुरू होने वाली थी। ऑफिशियली क्लासेस शुरू होने से पहले सुशे स्ट्रिप क्लब जाना चाहता था। ऐसे नहीं था कि वांग जी उसे मना नहीं कर सकता था, पर वांग जी के अंकल ने स्पेशली उसे कहा था कि नए आए हुए सारे डिसिपल्स की जिम्मेदारी उसकी होगी, इसलिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से वांग जी को सुशे के साथ आना पड़ा। वांग जी को ऑलरेडी बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसे इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल क्यों बनाया गया। शिचैन नए लोगों से इंट्रैक्शन करने में, उनसे रिलेशन बनाने में ज़्यादा अच्छा था, इसलिए शिचैन को यहाँ होना चाहिए था। पर क्यों उसके अंकल ने वांग जी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, ये बात वांग जी को एक मिस्ट्री लग रही थी। वांग जी ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहाँ का डीजे अनाउंस करता है कि कुछ डांसर्स अपना डांस दिखाने के लिए आने वाले हैं। वांग जी अपनी वॉच की तरफ देखता है, ऑलरेडी 9 से ज़्यादा बज चुके थे, पर क्लब का माहौल देखकर ऐसा लग रहा था कि वहाँ तो अभी शुरुआत ही हुई है। वांग जी वहाँ से उठकर जाने ही वाला था कि तभी उस पर एक ब्राइट लाइट फ्लैश होने लगती है और अचानक वहाँ एक डांसर की एंट्री होती है और सबकी नज़रें जैसे उसी डांसर पर टिक गई थी। पर उस डांसर की नज़रें सीधा वांग जी पर जाती हैं और वो पूरे क्राउड में वांग जी की तरफ विंक करता है। वांग जी तुरंत उससे अपनी नज़रें हटा लेता है, हालांकि उसके ईयर्स बहुत रेड हो गए थे। उसने आज तक कभी भी अपनी लाइफ में इतना अट्रैक्टिव मैन नहीं देखा था। वो डांसर उसके बिल्कुल सामने खड़ा था, अभी भी उसकी तरफ देख कर एक विकेट स्माइल दे रहा था। उसकी आँखें ब्राइट थी और शरारत से भरी थी। स्टेज पर और भी डांसर्स थे और वो भी काफ़ी ब्यूटीफुल मैन थे, पर वांग जी की नज़र सिर्फ उस पर ही थी। जैसे ही डांसिंग शो ख़त्म होता है, वांग जी को रियलाइज़ भी नहीं होता कि कब ऐसा हुआ, पर वो डांसर वांग जी के सामने आकर खड़ा हो गया था। वो फिर से अपनी ब्राइट स्माइल के साथ वांग जी से पूछता है, हेलो, तुम्हारा नाम क्या है? वांग जी को पूरे 5 सेकेंड लग जाते हैं ये रियलाइज़ करने में कि वो वांग जी से ही बातें कर रहा था। वांग जी अपना मुंह खोलने की कोशिश करता है, पर वो केवल लैन ही कह पाता है, वो भी काफ़ी कोल्ड वॉइस में। वो डांसर उससे कहता है, बस लैन, मैं सोच रहा था कि तुम मुझे अपना गिवन नेम बताओगे, पर सरनेम भी ठीक है, लैन गगा। वांग जी उसे करेक्ट करते हुए कहता है, मैं सेकंड ब्रदर हूँ। तो वो डांसर हंसते हुए कहता है, ठीक है, फिर मैं तुम्हें लैन और गगा बुलाऊँगा। वांग जी उससे कहता है, और तुम्हारा नाम? वांग जी ने अपनी वॉइस अभी भी कोल्ड ही रखी हुई थी, क्योंकि वो बिल्कुल भी डेस्परेट नहीं दिखना चाहता था। तो वो डांसर कहता है, जब वो लोग हमारा नाम अनाउंस कर रहे थे तो क्या तुम ध्यान नहीं दे रहे थे? मैं हर्ट फील कर रहा हूँ लैनर गगा। वांग जी उसकी बात पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो वो डांसर कहता है, मैं वाईफाई हूँ। वांग जी कन्फ्यूज होते हुए पूछता है, वाईफाई? तो वो डांसर कहता है, मेरा स्टेज नेम वाईफाई है। वांग जी फिर उससे पूछता है, वाईफाई? जैसे कि उसे ये नाम काफ़ी रिडिकुलस लगा हो। तो वो डांसर कहता है, मेरा नाम ऐसे मत लो, सब लोग मुझसे कहते हैं कि ये बहुत क्यूट नेम है। क्या तुम्हें ये नाम पसंद नहीं आया? तुम मुझे इस नाम से नहीं पुकारना चाहते? वांग जी तुरंत कह देता है, नहीं। वुइंग वांग जी के ईयर के बहुत नज़दीक जाकर कहता है, तो तुम मुझे वुशियन बुला सकते हो। उसने ये ऐसे कहा था जैसे ये कोई सीक्रेट हो, और उसके लिप्स वांग जी के ईयर के इतने ज़्यादा पास थे कि वो उन्हें फील कर सकता था। वांग जी रिपीट करते हुए कहता है, वुशियन। वुइंग फिर उसे कहता है, गुड बॉय। वांग जी फिर अपने दिल पर हाथ रखता है जो बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, और ख़ुद को समझाता है कि ये कुछ भी स्पेशल नहीं है। वुशियन ऐसा अपने सारे कस्टमर्स के साथ करता होगा, ये उसकी कोई ट्रिक होगी। तभी वुइंग उससे पीछे हटते हुए कहता है, मैं अभी थोड़ी देर में वापस आता हूँ, मुझे कुछ काम है। ऐसा कहकर वुशियन अब एक वुमन के ग्रुप के बीच में जाकर खड़ा हो जाता है। वो उन्हें चेयर करता है, उनके लिए वेव करता है और उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा होता है। ये सब देखकर वांग जी को जेन्युइनली हर्ट फील हो रहा था। सुशे और उसके फ्रेंड्स एक वुमन के साथ बिजी हो गए थे। कुछ और वुमन डांसर्स वांग जी की तरफ आती हैं उससे बात करने के लिए, पर वांग जी बस उनके साथ पोलाइट था और कुछ नहीं। वो उनकी फ्लर्टिंग का कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता।
वो अकेला बैठा हुआ था और अभी भी वुशियन का इंतजार कर रहा था। तभी सुशु उसके पास आकर कहता है, सेकंड यंग मास्टर, आप ड्रिंक क्यों नहीं कर रहे हैं? आप एक क्लब में बिना ड्रिंक किए नहीं जा सकते, कम से कम एक ड्रिंक तो ले लीजिए। वांगजी उससे कहता है, अल्कोहल पीना मना है। सुशु कहता है, पर अब नहीं है सेकंड यंग मास्टर। वांगजी कहता है, मैं रूल्स जानता हूँ, मैं ड्रिंक नहीं करता। तभी किसी और सेक्ट से एक और पर्सन जिसका नाम जिन जोशन था, वो आकर कहता है, कम ऑन सेकंड मास्टर, हमारे साथ ड्रिंक ना करके आप हमें डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। ऐसा कहकर वो एक पूरा ग्लास अल्कोहल का वांगजी की तरफ पुश करता है। वांगजी फिर उससे कहता है, मैं नहीं पीना चाहता, थैंक यू। इससे पहले कि जिन जोशन कुछ और कह पाता, एक हाथ उसकी तरफ बढ़ता है और वो ग्लास उससे छीन लेता है। वांगजी जैसे ही देखता है तो वुशियन वहां आ गया था। एक झटके में ही उसने पूरा ग्लास खाली कर दिया था। वो जिन जोशन से कहता है, किडो, क्या तुम्हें किसी ने नहीं सिखाया कि किसी को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए? एनीवेज, उसकी जगह मैंने तुम्हारी ड्रिंक पी ली है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? जिन जोशन गुस्से में कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमने उस ड्रिंक के लिए पे किया था। वुशियन कहता है, पर तुम लोगों को यंग मास्टर से पूछना चाहिए था कि वो पीना भी चाहते हैं या नहीं। वेल, फिलहाल तुम्हारी अल्कोहल का ग्लास खाली हो चुका है और तुम्हारे सेक्ट के रिश्तों में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। इस बात पर जिन जोशन कहता है, तुम्हारे जैसे घटिया इंसान को क्या पता सेक्ट के रिश्ते क्या होते हैं। वांगजी को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, यंग मास्टर जिन। पर वुशियन इस बात पर हंसने लगता है और जिन जोशन से कहता है, हाँ मैं नहीं जानता और ना ही जानना चाहता, क्योंकि कल तक मैं तुम्हें याद भी नहीं रखूंगा। वो वांगजी की तरफ विंक करते हुए कहता है, थैंक यू सो मच मेरे ऑनर को बचाने के लिए लानर गगा, और वो उसे एक फ्लाइंग किस देता हुआ जाता है। सुशी कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें इस तरह बुलाने की? और वो कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसे फील होता है कि उसके लिप्स सील्ड हो चुके हैं। सुशी और जिन जोशन दोनों के ही लिप्स सील्ड हो चुके थे, जो कि वांगजी ने ही किए थे। वुशियन कहता है, क्या हुआ, कुछ और नहीं कहना चाहते हो? अचानक शांत क्यों हो गए? तभी वांगजी कहता है, प्लीज उन्हें प्रोवोक मत करो। वो अपने पास से मनी पाउच निकालकर कुछ कैश वुशियन को देते हुए कहता है, उनकी हरकतों के लिए मैं माफी मांगता हूँ, मैं उनकी तरफ से कंपनसेट करता हूँ, तो प्लीज ये कैश रख लो। वुशियन कहता है, लानर गगा, क्या मुझे खरीदने की कोशिश कर रहे हो? वांगजी फिर से उसकी तरफ शाय होकर देखता है। वुशियन हंसते हुए कहता है, मैं मजाक कर रहा था। विंग उस मनी पाउच को लेने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि वो अपने टीथ का इस्तेमाल करने वाला था। वांगजी को जैसे ही ये रियलाइज़ होता है, वो तुरंत मनी पाउच पीछे कर लेता है। वुशियन कहता है, लानर गगा, क्या आप मुझे जानबूझकर टीस कर रहे हैं? आप मुझे ये मनी नहीं देना चाहते है ना? वो पाउच बनाने लगता है तो वांगजी कहता है, ये एनवलप ठीक से क्लीन नहीं है, इस तरह मुंह से लेना ठीक नहीं होगा, तुम बीमार हो जाओगे, प्लीज़ प्रॉपरली अपने हाथों से लो और अपनी पॉकेट में रखो। वुशियन इस बात पर बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसता है, इतना ज़्यादा ज़ोर से कि उसे लग रहा था कि वो फ्लोर पर ही गिर जाएगा। वांगजी उससे कहता है, अब क्या हुआ? वो आसपास देखता है तो लोग उन लोगों की तरफ ही देख रहे थे। वुशियन कहता है, पॉकेट्स, मैं अपनी पॉकेट में रखूँ लानर गगा, क्या आपको लग रहा है कि ये रियल पॉकेट्स हैं? ऐसा कहकर वो अपनी टाइट जीन्स की तरफ इशारा करता है। विंग की पूरी बॉडी अब वांगजी को क्लियरली शो हो रही थी। वांगजी के एयर्स और भी रेड हो जाते हैं। वो फिर से खुद को कंट्रोल करते हुए कहता है, तो प्लीज़ इस एनवलप को वहाँ रखो जहाँ तुम अपनी मनी रखते हो। वुशियन फिर से हंसने लगता है और वांगजी के हाथों से वो एनवलप लेकर सिडक्टिवली अपनी वेस्ट बैंड में रख लेता है। वांगजी सुशे को कॉलर से पकड़ता है और वहाँ से बाहर जाने लगता है। वुशियन पीछे से चिल्लाते हुए कहता है, जल्दी यहाँ वापस आना लानर गगा। वांगजी सुशे को कैंपस वापस ले आया था। सुशे कुछ नहीं कह पा रहा था, पर उसके फेस पर ही बहुत गुस्सा दिख रहा था। वांगजी उससे कहता है, तुम्हारे एक्शंस के लिए तुम्हें सजा मिलेगी, कल मेरे साथ अंकल के ऑफिस चलना। उसके बाद वो वहाँ से बाहर आ जाता है थोड़ी ठंडी हवा खाने के लिए, क्योंकि अभी भी वो वुशियन को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था। यीलिंग क्लब की सेंट अभी भी उसकी बॉडी में थी। फाइनली वो अपने रूम में वापस आता है, बाथ लेने के बाद अपने बेड पर लेट जाता है। काफ़ी लेट हो चुका था पर उसे अभी तक नींद नहीं आई थी। वो अपनी ईयर्स को टच करता है, आँखें बंद करता है और वुशियन की आवाज़ को याद करने लगता है, जब उसने कहा था गुड बॉय और उसकी तरफ विंक किया था। वहीं दूसरी तरफ वांगजी को सुशे पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि यह सब कुछ उसकी वजह से ही हो रहा था। ना ही सुशे उसे क्लब में ले जाता और ना ही वांगजी कभी वुशियन से मिलता।
अगली सुबह वांगजी 5 बजे उठता है, अपने दिमाग को क्लीन करने के लिए 2 घंटे तक मेडिटेशन करता है। लास्ट नाइट वोशन को लेकर उसने एक बैड ड्रीम देखा था जिसके लिए वो काफ़ी शेमफुल फील कर रहा था। आज से ऑफिशियली क्लासेस शुरू होने वाली थी। फाइनली वो खुद को संभालता है और पहली क्लास के लिए निकल जाता है। उसने अपने रोब्स और हेडबैंड पहन लिया था। क्लास में अभी ज़्यादा लोग नहीं आए थे। वो पीछे मुड़कर देखता है और अचानक से उसकी पूरी बॉडी फ्रीज हो जाती है। पीछे ही सीट पर 2 यंग मैन बैठे हुए थे। एक ने वॉयलेट कलर के रोब्स पहने हुए थे और दूसरे ने ब्लैक और रेड कलर के रोब्स। वांगजी 1-2 बार अपनी आईज रब करके देखता है कि कहीं उसका कोई बुरा सपना तो नहीं है, पर तभी सामने से वो पर्सन जिसने ब्लैक और रेड कलर के रोब्स पहने हुए थे वो कहता है, लानर गगा। वांगजी को विश्वास हो जाता है कि ये कोई सपना नहीं है, पर फिर भी वो ऐसे प्रटेंड करता है कि उसने कुछ ना सुना हो। वो अपनी सीट पर बैठकर सोचने लगता है ये कैसे पॉसिबल है। वुशन फिर जोर से आवाज़ लगाता है, लानर गगा। वांगजी को फाइनली पीछे मुड़कर देखना ही पड़ता है। वुशन की आंखें हमेशा की तरह ब्राइट और एनर्जेटिक थीं। वुशन कहता है, व्हाट अ कोइंसिडेंस, मुझे नहीं पता था कि मैं आपसे यहाँ मिलूंगा। तभी वो यंग मैन जिसने वायलेट रोब्स पहने हुए थे वो वुशन से कहता है, क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम उसे जानते भी हो, फालतू की हरकतें मत करो। वांगजी उसे जानता था, वो जांग वैयन था, वो युनमंग जांग सेक्ट से था। वांगजी सोचने लगता है, युनमंग जांग सेक्ट के सीनियर डिसिपल का नाम वे वुशन था। वांगजी वुशन से कहता है, वे वुशन। तो वेयिंग कहता है, तुम्हें मेरा नाम पता है, पर लानर गगा तुम्हें मुझे इतना फॉर्मली बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम मुझे वेयिंग कह सकते हो, क्योंकि अब तो हम ऑलरेडी एक दूसरे को काफ़ी जान चुके हैं। वो फिर से वांगजी की तरफ विंक कर देता है। वांगजी को लग रहा था कि उसके ईयर्स बर्न हो रहे हैं। वो तुरंत अपने ईयर्स कवर करता है और वेयिंग से कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है। जेंगशा वेयिंग को फिर मारते हुए कहता है, विभूषण थोड़ी रिस्पेक्ट दिखाओ। वो वांगजी से कहता है, मैं अपने भाई की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ सेकंड मास्टर लैन। वांगजी कहता है, कोई बात नहीं। तभी वुशन हंसते हुए अपने पैर डेस्क पर रख लेता है। वांगजी उससे कहता है, अपने पैर नीचे रखो। उसकी आंखें काफ़ी गुस्से में दिख रही थी। वुशन कहता है, ठीक है मैं नीचे रख लेता हूँ। तभी जंगछा पूछता है, वैसे तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो। इस क्वेश्चन पर वांगजी अचानक पैनिक फील करने लगता है। तभी वेयिंग झूठ बोलते हुए कहता है, लास्ट नाइट हम एक ही जगह पर घूम रहे थे तो एक दूसरे से टकरा गए। जेंगशा कहता है, लास्ट नाइट, क्या तुम लास्ट नाइट वर्क पर नहीं गए थे। वेयिंग कहता है, ऑफ कोर्स वर्क से पहले की बात कर रहा हूँ जेंगशा, और प्लीज़ इतना सस्पिशियस होना बंद करो। तभी लंच रन क्लास में एंटर करता है। पहली क्लास केवल 30 मिनट की थी। वेयिंग का दिमाग काफ़ी क्लेवर था। चरण के काफ़ी सारे क्वेश्चन के जवाब उसने अपने तरीके से दिए, हालांकि ये सही समय और सही जगह नहीं थी, जिससे चिरन उससे परेशान होकर उसे क्लास से बाहर निकाल देता है। क्लास खत्म होने के बाद वांगजी चिरन के पास आकर कहता है, अंकल मैंने सुशी को लेकर आपको कुछ लेटर लिखा था, क्या आपने रीड किया। चिरन कहता है, हाँ उसे पनिशमेंट दी जा चुकी है, 1 महीने तक वो रूल्स कॉपी करेगा। पर मुझे तुमसे ही उम्मीद नहीं थी वांगजी, तुम उसके साथ क्लब चले गए। वांगजी कहता है, अंकल आपने कहा था कि मुझे उसे आसपास की जगह दिखानी है और वो क्लब जाने की जिद कर रहा था, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इसलिए मुझे जाना पड़ा। चिरन कहता है, मुझे जिन सेक्ट से एक कंप्लेन भी रिसीव हुई है। वांगजी कहता है, हाँ मैं समझ सकता हूँ, वो ज़रूर जिन जूशन की तरफ से होगी, कल वो भी हमारे साथ था, वो मुझे ज़बरदस्ती अल्कोहल पिलाने की कोशिश कर रहा था और मैंने जो भी कुछ किया ठीक किया, मुझे अपने एक्शंस पे कोई पछतावा नहीं है। चिरन कहता है, मैं समझ गया। वांगजी जैसे ही क्लास से बाहर आता है उसके सामने वेयिंग आकर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है, लंजा फाइनली तुम मेरे सामने आ गए, मुझे तो चिंता होने लगी थी। वांगजी कहता है, किस बात की चिंता। वेयिंग कहता है, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स बाहर आ गए थे, मुझे लगा कहीं तुम्हें डांट तो नहीं पड़ रही है। वांगजी उसे गुस्से में कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। वेयिंग उसके पीछे पीछे जाने लगता है और उससे कहता है, जाहिर सी बात है तुम्हें क्यों डांट पड़ेगी, वैसे आई एम सॉरी लंजा, मैंने तुम्हारे अंकल को अपसेट कर दिया। वांगजी कहता है, मुझसे सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। वांगजी अभी भी आगे बढ़े जा रहा था तो वेयिंग अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, वेट लंजा। वेयिंग के टच करते ही वांगजी एकदम फ्रीज हो जाता है और उससे गुस्से में कहता है, मेरा हाथ छोड़ो। वेयिंग कहता है, सॉरी पर मुझे इस तरह मत देखो, मैं बस तुमसे बात करना चाहता था, क्या हम दोनों साथ में ब्रेकफास्ट के लिए चलें।
वांगजी कहता है, मैं ऑलरेडी ब्रेकफास्ट कर चुका हूँ। वुइंग कहता है, ठीक है फिर मैं अकेला ब्रेकफास्ट कर लूँगा, तुम चाय पी लेना, चाय के लिए तो तुम्हारे पास जगह होगी ही ना। आखिरकार वांगजी को वुइंग के साथ जाना पड़ता है। ओके गाइज, आज का पार्ट यही ख़त्म करते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट न्यू फैन फिक्शन का आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।